नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन के 20 एमसीक्यूज। यह हमारा अकाउंट्स का टेस्ट नंबर 4 है और इस टॉपिक के ऊपर यह हमारा पार्ट नंबर 3 है। हम ऑलरेडी दो पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस किया था और इस पार्ट नंबर 3 के अंदर हम 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और आफ्टर दिस 60 क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो, इनके वीडियोस को देख लेते हो, तो डेफिनेटली आप चाहे अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हो, अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो, एनटीए नेट कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हो, या फिर अदर कोई एग्जाम जहां पर आपके ये टॉपिक एग्जाम में आ रहा है, डेफिनेटली काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं वहां पर आपके यह 60 क्वेश्चन। आप मेरे साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हो, जरूर से आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है कॉमर्स मेरी जान के नाम से, जब आप टेलीग्राम के ऊपर जाते हो तो टेलीग्राम के ऊपर कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, वहां पर आप कॉमर्स मेरी जान जो हमारा चैनल है उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इन सभी टेस्ट की जो पीडीएफ्स वगैरह होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आप हमारे इन टेस्ट को ऑनलाइन भी दे सकते हो, इसके लिए आप हमारी जो मोबाइल ऐप है कॉमर्स मेरी जान उसको डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर हमारे इस टेस्ट को दे सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप या पीसी के ऊपर भी हमारी इस वेबसाइट को एक्सेस करके आप अपने टेस्ट को दे सकते हो। इसके लिए आपको गूगल पर लिखना पड़ेगा web.classplusapp.com। जैसे आप web.classplusapp.com पे लॉग इन करते हो आपको इस तरह से स्क्रीन दिख जाएगी, वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड के अंदर सीएमजे बोले तो कॉमर्स मेरी जान का शॉर्ट फॉर्म सीएमजे डालना है और यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद में आप ऑनलाइन हमारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। हार्ड कॉपी नोट्स वगैरह के लिए आप हमारे इन गिवन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल 2018-19 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 2019-20 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 2020-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरे ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अगर आपको कंपेरिजन करना है, तुलना करनी है, तो जरूरी है कि आपने जो मेथड्स यहां पर फॉलो किए हैं वो मेथड्स आप यहां पर भी फॉलो करो और सेम मेथड आप यहां पर भी फॉलो करो। यानी कि आपने जो भी अकाउंटिंग मेथड फॉलो किए हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अभिषेक ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए का, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। 10 लाख रुपए से जैसे ही मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो 10 लाख रुपए से जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करता हूं वो 10 लाख रुपए की क्या बिजनेस के अंदर क्या आ जाती है, कैपिटल आ जाती है। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपए की कैपिटल इंक्रीज हुई है तो बिजनेस के पास 10 लाख रुपए का केस भी आया होगा। तो 10 लाख रुपए का बिजनेस के पास केस बोले तो एसेट्स आ गई है 10 लाख रुपए की। इसके अलावा अमित ने 2 लाख रुपए का जो माल है वो उधार में खरीदा है, तो 2 लाख रुपए का जैसे ही वो माल खरीदेगा तो उसके पास 2 लाख रुपए का स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और स्टॉक क्या होती है आपके लिए, एसेट्स होती है। तो 2 लाख रुपए के आपके जो ये 10 लाख रुपए किसकी वजह से बढ़े, केस की वजह से। और 2 लाख रुपए क्यों बढ़ गए, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा तो आपके लिए स्टॉक बढ़ गया। और साथ में जैसे ही आप 2 लाख रुपए का उधार माल खरीदोगे 2 लाख रुपए के आपके क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। यस सर, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। 2 लाख रुपए किसके लिए आए हैं, क्रेडिटर के लिए आए हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी कि आपकी जो एसेट्स होगी वो 12 लाख रुपए की हो जाएगी, आपकी कैपिटल है वो 10 लाख रुपए की हो जाएगी, आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपए की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपके लिए ए। कहता है कि जो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, पूरे लाइफ टाइम के दौरान कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना वो ईयर एंड के ऊपर बनते हैं। हर साल जब एक पर्टिकुलर टाइम पे के ऊपर, यानी कि जब साल खत्म होता है तब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, कंपनी के लाभ हानि जानने के लिए, कंपनी की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए। यह कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे, यह कौन सा कंसेप्ट होता है, यह होता है पीरियडिसिटी कंसेप्ट, ये होता है आपके लिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल यहां पर एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर गिवन है। पीडीएफ लेने के लिए जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट्स मीन? देखिएगा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लॉसेज को कम दिखा रहे हो, प्रॉफिट्स को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, झूठ मूठ के प्रॉफिट्स को दिखा रहे हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। शोइंग मोर प्रॉफिट टू अट्रैक्ट दी इन्वेस्टमेंट। इसमें आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हो, जो भी एसेट्स वगैरह के अंदर या फिर आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह के अंदर उनकी वैल्यू कम हुई है तो उस वैल्यू को दिखाते ही नहीं हो, मतलब लॉसेज को ना दिखा के झूठे मूठे प्रॉफिट्स को दिखाते हो, ताकि कंपनी के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। डबल एंट्री प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर एक चीज डेबिट हुई है तो डेफिनेटली दूसरी चीज क्या होगी, आपके लिए क्रेडिट होगी। ऑब्लिगेशन होती है कि देखिएगा, कंपनी के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑब्लिगेशन है कि जो लायबिलिटीज होती है वो दो तरह की होती है। एक हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी, जो कि कंपनी के ओनर्स की होती है, ओनर्स लायबिलिटी बोल सकते हो, इसको आप कैपिटल के नाम से जानते हो। और एक होती है आपके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स वगैरह हो गए, किसी से लोन वगैरह ले लिया, तो यहाँ पर ये किसके नाम से जानती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम से जानी जाती है। आप केवल और केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो जो कि मनी से रिलेटेड होते हैं, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, एज पर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार। रेफर्स टू द जनरल एग्रीमेंट। अब देखिएगा, जनरल एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी कि सोसाइटी क्या कर रही थी, वर्षों से युग युगांतर से उन चीजों की प्रैक्टिस कर रही थी, तो आप भी क्या करते हो, उन्हीं चीजों को क्या करने लग जाते हो, फॉलो करने लग जाते हो। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम घर के अंदर, जैसे ही हम किसी बड़े बुजुर्ग से मिलने जाते हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं, क्योंकि वर्षों से यही प्रथा चलती आ रही थी और हमने भी उनको क्या कर लिया है, एज इट फॉलो कर लिया है। आई होप समझ में आया होगा। तो सोसाइटी प्लस जनरल एग्रीमेंट क्या होते हैं आपके लिए, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, यह अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं जनरल इन नेचर। जनरल मैं समझाता हूं कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह दिया कि यार आपको अपनी मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अलग अलग मेथड है, WDV मेथड है, आपके लिए SLM मेथड है, सम ऑफ फर्स्ट डिजिट मेथड है, डिप्लेशन मेथड है, मशीन आवर्स मेथड है, टोटल प्रोडक्शन मेथड है, ये अलग अलग मेथड है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। आपको यार मशीनों के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना होगा क्योंकि आप उनका कंटिन्यू यूज करते हो। ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब जो कि एक अकाउंटेंट को बताते हैं कि यार किस तरह से काम करना चाहिए, और अब उसने अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग मेथड में से एक मेथड चुन लिया WDV, तो ये हो गया आपके लिए स्पेसिफिक, है ना। और ये WDV क्यों चुन लिया, क्योंकि पूरी सोसाइटी के अंदर, जनरल प्लस सोसाइटी के अंदर यही मेथड चुना जा रहा था, इस वजह से हमने भी ये चुन लिया, है ना। तो ये हो जाती है अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरल रूल होते हैं और गाइडलाइन होती है जो कि एक अकाउंटेंट को गाइड करती है कि यार उसको किस तरह से काम करना चाहिए। These are the general rules and policies are adopted by the firms, companies or any such entities for their working, है ना। policies क्या होती है कि company अपनी या entity अपनी suitability के according जिन भी principles में से कुछ को follow कर लेती है, that is they become their policies। और accounting conventions क्या होती है, ये एक general agreement होते हैं society का और आपके business के साथ में। No inference of the profit, आप लाभों का कुछ भी नहीं करोगे, जो भी हानियों के बारे में पता चलता है आप उनको immediately record कर लोगे, ये आपके लिए conservative रूढ़िवादिता के उदाहरण है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताता है। एक मशीन थी 1,00,000 रुपए की, इंस्टॉलेशन चार्जेस हुए 10,000 रुपए की, तो मशीन कितने की पड़ी, कॉस्ट 1,10,000 रुपए की। एज पर द कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको इसको 1,10,000 में दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको 1,40,000 रुपए यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर आपने उसको दिखा दिया है। कौन से कॉन्सेप्ट को आपने वॉयलेट किया है, आपने वॉयलेट किया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट को, आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, यानी कि यार मैं कोई भी, सपोज मैं अपने मोबाइल को मार्केट में बेचने जाऊंगा तो 30,000 रुपये में बिकेगा, लेकिन जिस ब्रोकर के थ्रू बिकवाऊंगा वो 3,000 रुपये ले लेगा, यह जो मेरे 27,000 रुपये बचे हैं सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करने के बाद में जो भी बचता है वो क्या बचता है मेरे लिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू की, यार वास्तव में मेरे पास कितने रुपए रियलाइज हो जाएंगे। अनपेड एक्सपेंसेस एक ऐसे खर्चे जिनको यार आपने पे नहीं किया है, तो आपकी पे करने की लायबिलिटी आती है और वो लायबिलिटी अभी भी बकाया है, आंसर हो जाएगा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। अब देखो, इनके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं करने, बिल्कुल एक जनरल सा लॉजिक लगाना है। ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल एड होती है,
इसके अंदर आपके लिए प्रॉफिट एड होता है, ड्रॉइंग माइनस होती है, तो आपके लिए क्या आ जाती है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। अब इनमें से सब चीजें गिवन होगी, एक चीज बाकी रहेगी, ओपनिंग कैपिटल है 1,00,000 रुपए, एडिशनल कैपिटल है 45,000 रुपए, प्रॉफिट पता नहीं है, ड्रॉइंग है 20,000 रुपए माइनस में, और तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,50,000 रुपए। यानी कि सर इन सब को एड लेस करने के बाद में 1,50,000 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा, 1,00,000 प्लस 45,000, 1,45,000, 1,45,000 में से 20,000 गए, तो इन सब को एड लेस करने के बाद में केवल और केवल 1,25,000 ये आ रहा है। अब बताओ 1,50,000 लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 25,000 रुपया और ऐड करना पड़ेगा, वो 25,000 रुपये किसका हो जाएगा, प्रॉफिट का हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है आपके लिए 25,000 रुपये। इस तरह से आप लॉजिकली इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। कोई भी यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनकी कुछ प्राइमरी क्वालिटी होती है और कुछ सेकेंडरी होती है। प्राइमरी क्वालिटी बोले तो उनके बिना उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। दो प्राइमरी क्वालिटीज होती है कि आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो देट शुड बी रिलायबल, वो रिलायबल सोर्सेज से बने जाने चाहिए, और देट शुड बी रिलीवेंट, मतलब कि जिसको आप दे रहे हो उनके लिए वो रिलीवेंट होने चाहिए, है ना। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंस। बाकी यार किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेकिन सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नहीं हो सकता, ये सारी की सारी सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो प्राइमरी क्वांटिटी क्वालिटी अगर आपसे पूछी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, तो रिलीवेंस और रिलायबिलिटी है, और बाकी अंडरस्टेबिलिटी, वेरिफिकेबिलिटी, टाइमलीनेस और कंपेटिबिलिटी ये आपके लिए सेकेंडरी है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी, जो एक जो कंपनी के पूरे जीवन भर के दौरान आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो एक निश्चित समय के दौरान ही बनते हैं। ये कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं, ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनते हैं। गाप की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जरूर से इस चार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो फुल फॉर्म की, गाप की फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और कब आया 1973 में। IFRS की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये कब आया था 1973 से आया था, 2001 तक ये रहा था, लेकिन उसके बाद में IAS बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुके हैं 2001 से। जो भी मालिक अपनी कैपिटल लगाता है उसको एज एन लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर बिजनेस को अलग माना जाता है और उसके मालिक को अलग माना जाता है। जो प्रोप्राइटर होता है वो जो भी कैपिटल लगाता है उसको एज ए क्रेडिटर के रूप में बिजनेस के अंदर दिखाया जाता है, कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, ओनर्स इक्विटी बोले तो कैपिटल आती है, ये कौन, ये सब चीज़ें कहाँ पर आती है, बैलेंस शीट में आती है ना, तो यह बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करती है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि उनके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमारे टेस्ट को जरूर से दिया होगा, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लिया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।